एवरीवन, तो आज हम आए हैं रिदम ऑफ राइम्स में अनफिल्टर्ड टॉक पर गंगूबाई मूवी की बात करने के लिए, जिसमें आलिया भट्ट ने काम किया है और जो कि संजय लीला बंसाली ने बनाई थी। ये मूवी 2022 में आई थी। आई नो हमें 2 साल लग गए इसके बारे में बात करने के लिए, बट बेटर लेट देन नेवर, राइट? सो आज हम बात करेंगे गंगूबाई के बारे में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे, परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करेंगे, कि किसको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला हमारे हिसाब से, किसको नहीं मिला इतना, और स्टोरी लाइन को भी थोड़ा थोड़ा सा टच करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली के जो उस मूवी में टॉपिक उठाया गया है प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर, कि लीगलाइजेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एंड एजुकेशन के ऊपर जो उठाया गया है क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि ये दोनों चीजें एक्चुअली लास्ट में आती हैं जब आलिया भट्ट अपनी स्पीच देती हैं मैदान में, आजाद मैदान होता है पता नहीं नाम, I'm forgetting that, जो एक लास्ट में सीन में वो स्पीच देती है, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। सो यस, वी आर गोना स्टार्ट नाउ। तजिंदर कहाँ आते, तजिंदर मेरे साथ हैं ऑब्वियसली रिदम्स ऑफ राइम्स से, एंड हाय तजिंदर। हाय गार्गी, तो मेरे ख्याल से हम पहले परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। Yeah, वो सबसे इजी है और उसमें हमारे ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स भी नहीं होंगे। सो या, लेट्स स्टार्ट विद परफॉर्मेंस ऑफ आलिया भट्ट, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस मूवी में। एज पर मी, आई थिंक शी हैज डन अ फेयरली गुड जॉब। मतलब शी हैज प्लेड द रोल वेरी वेल, वेरी कन्विंसिंगली। वो उनका नाम पहले गंगा होता है, एंड शी इज अ स्मॉल टाउन गर्ल, अ यंग गर्ल, तो गंगा से उनका जो ट्रांजिशन पूरा एक गंगूबाई में दिखाया है, वेयर शी एंड्स अप रनिंग अ ब्रॉथल, तो वो बहुत अच्छा ट्रांजिशन दिखाया है। और मुझे लगता है कि एज गंगा और एज गंगूबाई, जो उन्होंने दो एक मतलब एक अपनी लाइफ टाइम में दो एरास प्ले किए हैं, वो काफी उनमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा, तो आई थिंक दैट्स अ विन फॉर हर, कि उन्होंने काफी अच्छी तरह से वो दो कैरेक्टर्स को अलग रूप और अच्छी तरह से डिफाइन किया है अपने आप में। सो दैट्स व्हाट आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि उसके कैरेक्टर में जो एक पहले टीनेज वाला फेज है, जहाँ उसके बाद जो मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश की गई है, वो कई बार वो उससे वो फॉल्ट कर जाती है। जैसे शुरू शुरू में तो उसकी आवाज, खासकर जो दिखती है कि वो टीनेजर है, जब उसको ब्रोथल में लाया जाता है तब तो ठीक है, पर कुछ चेंज आते हैं तो वहां पे, खासकर वो जो उसका लव इंटरेस्ट है वो लड़का, उस सीन्स में भी वो जो जैसे वो बात करती है, तो एक मैच्योर कैरेक्टर एक टीनेजर की तरह एक्ट तो कर सकता है, पर उनकी आवाज चेंज नहीं होती, और जो बिल्कुल नेजलाइज सी भारी सी साउंड से बिल्कुल वो टीनेजर सी आवाज में चली जाती है, वो थोड़ा सा कंटिन्यूटी को तोड़ता है, कैरेक्टर की कंटिन्यूटी को भी तोड़ता है। और इसकी जो प्रेजेंटेशन दिखती है वो भी मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा फोरग्राउंडिंग यूज करके बाकी कैरेक्टर को उस तरीके से यूज किया गया है, जैसे कि उनका स्किन टोन ज्यादातर वो डार्क कम्प्लेक्शन वाले कैरेक्टर्स ही रखे गए हैं इसको फोरग्राउंड करने के लिए, जहां इसके कपड़े उनका कलर थोड़ा सा अलग रखा गया उनसे, और थोड़ा सा ब्राइट रखा गया स्टार्टिंग से ही, कि ऐसे लगता है कि ये सामने जूम कर दिया है इसको, बाकी सारे बैकड्रॉप में चले गए, स्टोरी सिर्फ इसी की स्टोरी है, और बाकी एक दो कैरेक्टर की जो एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की गई है वो मुझे इतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही, या उनको स्क्रीन टाइम उस हिसाब से इतना नहीं मिल पा रहा। आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस आई थिंक इसलिए भी ज्यादा शाइन कर रही है क्योंकि उनके पास और कोई
क्योंकि मूवी में और कोई कैरेक्टर को ना इतना टाइम दिया गया है ना इतना स्पेस दिया गया है परफॉर्म करने के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल जो रजिया का कैरेक्टर विजय जो प्ले कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही उनकी बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है. छोटा रोल है उनका काफी, लेकिन उनका काफी इम्पैक्टफुल है. बट वो ही अगर शायद उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला होता तो शायद आलिया भट्ट इतना गंगूबाई में शाइन ना कर पाती जितना उन्होंने करा. सो ऑब्वियसली आई थिंक ये मैनिपुलेशंस तो होती ही हैं व्हेन यू वांट वन पर्टिकुलर पर्सन टू बी एट द फोरफ्रंट. पर एक बायोपिक में एक कैरेक्टर को हम देखते हैं कि फोरफ्रंट में लेके आते हैं, पर उसको पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करना फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाता है. जो रियल करेक्टर के साथ लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, तो वही जो क्रिटिक्स में ने भी देखा या सोशल मीडिया पे भी हुआ कि कई लोगों को लगता है कि ये उसके करेक्टर को वाइट वॉश करने की कोशिश है, जिसका कोई अगर मोटिव नहीं भी है पर फिर भी उसके अलग अलग आस्पेक्ट्स हो सकते थे. अगर वो उसको माफिया क्वीन के नाम से जाना जाता था तो सिर्फ एक सेलिंग ऑफ अल्कोहल अपने ब्रोथल में, उससे वो माफिया क्वीन नहीं बन जाता और भी शायद क्राइम किए होंगे और उसके कैरेक्टर के और भी एस्पेक्ट्स हो सकते थे, उसके ऊपर भी टच किया जा सकता था. और इसीलिए मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है पर फिर भी कैरेक्टर अपने आप में वो शैलो ज्यादा लगता है, उसमें कंटेंट बहुत कम लग रहा है. हो सकता है. या यू डू हैव अ पॉइंट देयर, यू डू हैव अ पॉइंट देयर. बाकी कैरेक्टर्स की बात करते हैं, अजय देवगन की बात कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने वैसे तो गेस्ट अपीयरेंस में काम किया है बट उनका काफी एलैबोरेट रोल है फॉर गेस्ट अपीयरेंस. आई थिंक गेस्ट अपीयरेंस शायद विजय को देना चाहिए था. हाँ, उनका दोनों का अगर हम कंपैरिजन देखें तो बहुत बड़ा बिल्डअप दिया गया है इसके करेक्टर को जो रजिया प्ले किया विजय राज ने, पर इतना एंटिसिपेशन क्रिएट करके इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री के बाद उसको स्क्रीन टाइम नहीं मिला. इतना एस्टेब्लिश कर दिया उस रोल को, जैसे वो हम उसका पैरेलल देखे तो सड़क मूवी में दिखता है सदाशिव अमरापुरकर ने रोल प्ले किया है, वो बिल्कुल एस्टेब्लिश हो रहा है क्योंकि वो उसको स्क्रीन टाइम मिला हुआ है, उसके पास अपने रोल को के साथ जस्टिस करने का मौका है. यहाँ पे एक बार वो स्क्रीन पे आता है और उसके बाद दूसरे सीक्वेंस में तब है जब उसने स्पीच देनी होती है, इसने फिल्म लगा दी है गंगूबाई ने, तो उसकी स्पीच सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा और देन बाकी सारा कोई साइलेंस है. और ये अगर डिले कर लिया जाता इलेक्शन वाला हिस्सा, मुझे लगता है कि डिले करके थोड़ा क्लाइमेक्स की तरफ ले जाते तो जो एंड वाला स्पेक्टिकल क्रिएट किया है जिसमें बहुत वाइट कलर जुड़ रहे हैं तो वो शायद थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा थोड़ा ज्यादा लगता. और अजय देवगन का कैरेक्टर तो ऐसे है कि कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी और अजय देवगन को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी कैरेक्टर पे. उसने वंस अपॉन अ टाइम से उसने जैसे हाजी मस्तान का रोल प्ले किया है, उससे एक जनरेशन पीछे वाले अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल प्ले करने के लिए उसको बस एक कैप लगानी पड़ी है, बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस लगता नहीं. थोड़े कपड़े डिफरेंट पहन लिए हैं, दैट्स इट, बट द मूड एंड द टोन एंड द लुक एंड एवरीथिंग रिमेंस द सेम फॉर हिम. नेगेटिव शेड वाले कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है एक्टर को अपने कैरेक्टर पे, और जब रेपिटेशन होती है उससे वो फिर उसकी कैरेक्टर की ग्रोथ एक्टर की ग्रोथ भी हमें दिखती नहीं है कि वो रेपिटेशन कर रहा है. जैसे असरानी के साथ हुआ था जब उन्होंने एक बार शोले कर ली तो वो जो रोल उनको मिला था जेलर का वो बार 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 रिपीट होता रहा, बहुत बार रिपीट हुआ बहुत मूवीज में, वो एक ट्रोप ही बन गया उनका फिल्म में पुलिस का होना. तो और जैसे वो डायलॉग डिलीवर करते हैं तो
एक एज एन एक्टर उसमें वो ग्रोथ नहीं रही उस मतलब वो एक्टर वो एक में। बॉक्स में, मेरे ख्याल से ना ये इंडस्ट्री आपको एक बॉक्स में डाल देती है, अगर आपका कुछ भी एक कैरेक्टर चल जाए तो बस उसके बाद दे जस्ट डो लाइक दैट्स व्हाट दिस सो लाइक आई मीन अगर देखा जाए यहाँ से ये पता चलता है कि इंडस्ट्री ऑल्सो ऑपरेट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ फियर, के भाई जैसा जो पॉपुलर हो चुके उसको बिल्कुल चेंज ही नहीं करना है, उसी में ही चलते रहना है, अगर थोड़ा भी चेंज करेंगे तो एनीथिंग कैन फॉल अपार्ट, या सो दैट्स देयर। एंड उसके बाद हमने बात किस बारे में करनी थी, कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई है, स्क्रीन टाइम के बारे में भी हमने बात कर ली है कि अजय देवगन को आई मीन अगर हम कंपेयर करें अजय आलिया भट्ट के बाद, अगर दो प्रोमिनेंट कैरेक्टर, तीन प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स को मैं बोलूंगी, आलिया भट्ट के बाद अजय देवगन का कैरेक्टर था और विजय का कैरेक्टर था एंड सीमा जिन्होंने पहले घर वाली, ये तीन प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स थे आफ्टर आलिया भट्ट, राइट। तो आई थिंक इसमें वो ही है कि जो विजय का कैरेक्टर है उनको सबसे ज्यादा कम स्क्रीन टाइम मिला है, जबकि आई थिंक उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल इमेज लगी थी मुझे जो स्क्रीन पे आई थी, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी ऑब्वियसली, आई मीन द वे ही टॉक्स, द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, यू नो, एज रजिया वाज फेनोमेनल आई थिंक, या एंड आई पर्सनली वांटेड टू सी मोर ऑफ हिम इन दैट कैरेक्टर, यू नो, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनको बस जैसे इंट्रोड्यूस करके एकदम से वापस खींच लिया, मतलब ऐसा लगा कि यू नो लाइक देयर वाज लाइक आई क्रेव्ड मोर फॉर मोर टू वॉच हिम, यू नो, इन दैट रोल, या। तो मेरे ख्याल से इसके बाद हम फिर उस सीन पे ही पहुंचते हैं जहां पे वो स्पीच देती है। या लेट्स गो टू दैट सीन के वो लास्ट में स्पीच देती है जहां पे वो बोलती है कि प्रोस्टिट्यूशन, ऑब्वियसली वो स्टार्ट यहां से करती है कि प्रोस्टिट्यूशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस एंड ऑर्गेनाइज प्रोफेशन, जो कि सच भी है एक तरह से, और फिर वो बात करती है लीगैलिटी होनी चाहिए प्रोस्टिट्यूशन की, वो बात करती है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, विच इज ऑब्वियसली इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, और मैं पहले थोड़ा सा लिस्ट आउट कर देती हूँ क्या क्या बात करती है, देन वी कैन टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम। फिर वो बात करती है एजुकेशन के बारे में भी, वो टच करती हैं कि थोड़ा सा करती हैं बट करती हैं, एजुकेशन के बारे में भी बात करती है, और एक वो चीज जो मेनली बोलती है जो काफी इमोशंस के साथ बोलती है, और शायद वो स्टेटमेंट्स बोली भी इसी तरह गई है ताकि ऑडियंस को भी इमोशनली एंगेज करा जाए, तो वो ये बोलती है कि प्रोस्टिट्यूशन अगर है उस वजह से हमारी सोसाइटी अभी भी ठीक है, नहीं तो ये जंगल ही बन जाएगा अगर प्रोस्टिट्यूशन नहीं रहेगी, तो वो ये वर्ड यूज करती है कि वो जंगल ही बन जाएगा, तो वो बोलती है कि आपके घर अगर आपके टिके हुए हैं, आपकी वाइफ और आपकी मैरिजेस अगर टिकी हुई हैं, तो वो प्रोस्टिट्यूशन की वजह से टिकी हुई हैं, क्योंकि द मेन इन द सोसाइटी दे कम टू प्रोस्टिट्यूट, दे लिव देयर फैंटेसीज आउट एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट्स वाई द वाइफ्स कैन लिव इन इंटेग्रिटी, that's what she says, and also she says that crime kam hai kyunki prostitution hai, nahi to there would be more rapes in the society, so obviously there are some things that I agree to, there are others that I completely don't agree to, but aap batao kahan se start kare. Haan, starting se dekhte hain, ek to usme to koi do raaye hai nahi ki as a human sabko dignity milni chahiye, और कोई भी बाई चॉइस उस प्रोफेशन में नहीं जाता, और उनकी रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, और इसमें दिखाते हैं कि वो मौका देती है एक अपनी जो वहां पे ब्रोथल में है कुछ लड़कियों को कि वापस जाने का, और किसी एक जो इस प्रोस्टिट्यूट होती है उसकी बेटी जो भी बहुत छोटी है उसकी ये शादी करवा देती है अपने लव इंटरेस्ट के साथ, जो के अपने आप में जो कैरेक्टर है वो उसकी ड्यूअल इंटेंशंस है बेसिकली, तो उसके अल्टीरियर मोटिव्स ये हैं कि उसने वो इलेक्शन जीतना है, ये वो अपनी एक इमेज पोर्ट्रे करनी है कि वो रजिया से कैसे बड़ी हो, या क्योंकि रजिया एक टाइम पे उसको बोलती है कि इस गली में कभी डोली नहीं आ सकती और कभी रजिया हार नहीं सकती,
तो फिर वो अपनी इस चीज को मिशन बना लेती है कि मेरे को इस ब्रॉथल में किसी की शादी करनी है, और उसको एक वो अपॉर्चुनिटी दिखती है कि अब वो इस तरह से देखा जाए तो शी काइंड ऑफ यूजेस एवरीवन एज हर पॉन्स, राइट। उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो ये 15 ईयर ओल्ड की शादी अपने लव इंटरेस्ट से, उसको जिसको पता है कि शी कैन इजिली इन्फ्लुएंस हिम, है ना, वो उसको इजिली इन्फ्लुएंस कर सकती है, और आई थिंक इसी वजह से वो उसकी शादी करवाती है। एंड वहां पे वो जिस दिन उनकी उसकी शादी हो रही होती है तो वो ये बोल देती है कि अब डोली आ गई है तो अब तो मतलब रजिया का खत्म हो जाएगा काम, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। आई मीन देन शी गोज ऑन टू विनिंग द इलेक्शन। हाँ, तो वो उसमें हमें उसके इंटेंशंस सस्पेक्टेड हैं कि वो क्या करना चाहती है, उसकी रियल इंटेंशंस क्या है. देन जो अगले चीजें आती हैं उसमें प्रॉब्लम्स लग रही हैं, जैसे कि वो कहती है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन कम होते हैं. वो किस हद तक बिलीवेबल है? मुझे तो वो नहीं लगता कि वो क्राइम इसलिए होते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, क्रिमिनल्स के पास. तो ये इट्स लाइक चाइल्डिश. वो इतना कैरिड अवे हो गया स्क्रिप्ट राइटर कि वो फैमिली बचा के रखती हैं, वो सारे जो प्रोस्टिट्यूशन को लेजिटिमाइज जस्टिफाई करने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए जो एज अलोंग जो भी जस्टिफिकेशंस हैं, वो अपने आप में कहीं स्टैंड नहीं करते. और अगर कैसी सोसाइटी वो बनाएंगे, रिलेशनशिप्स जो प्रोस्टिट्यूशन पे बेस्ड हैं, जो उसकी वजह से टिके हुए हैं, तो वो अपनी अगली जनरेशन को कैसी, अगली जनरेशन वो पेरेंट या वो फादर्स कैसी जनरेशन क्रिएट करके दे रहे हैं नेशन को या किसी भी सोसाइटी को. तो वो मतलब इतनी शेलोनेस या इतनी वो एज ओल्ड जस्टिफिकेशंस सिर्फ इसलिए कि हमने जस्टिफाई करना है, जब एक पॉइंट आगे रखना है तो वो कुछ भी बोलते जाना, उसके पीछे एप्लीकेशन ऑफ माइंड मुझे कम लग रही है, वो रेटरिक ज्यादा लग रहा है. एंड इमोशनल ज्यादा है। आई मीन जस्ट यूजिंग द वर्ड्स जस्ट टू इनकलकेट यू नो इमोशंस इन पीपल, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ दैट। विक्टिमाइजेशन ऑब्वियसली प्ले किया, जो कि होते भी है। आई मीन देयर इज नो डिनाइंग इन दैट। आई मीन जो प्रोस्टिट्यूशन है, आई मीन इट इज अ रिजल्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट देन टू सिट ऑन अ स्टेज एंड टू से दिस के ये प्रोफेशन है और इस वजह से क्राइम कम हो रहा है या आपके घर बच्चे हुए, दिस इज जस्ट गोइंग वे टू अवर हेड, आई फील। हाँ, और लीगलाइजेशन की जहां तक बात है, जो वो लेके जाती है, जो कि हिस्टोरिकली एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा कि वो पीएम से मिली थी या नहीं मिली थी, पर वो इमटीरियल है इस मूवी में, अगर है तो वो है. पर लीगलाइजेशन भी कोई इतना बड़ा सोल्यूशन नहीं है. उससे कुछ हद तक जो पुलिस की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, शायद वो कम हो जाए, थोड़ी बहुत कम हो जाए. पर उसमें भी राइडर्स होंगे, अगर वो लीगलाइज हो भी जाती है तो उसमें भी पुलिस को एक तरीके से और ज्यादा राइट्स मिल जाएंगे उस चीज को मॉनिटर करने के, और किसी को भी ट्रैप करने के कि दिस पर्सन हैज बीन ट्रैफिक्ड, जहां उसको स्लेव बना के रखा गया, तो बट आई उससे. डोंट नो, आई काइंड ऑफ डिसएग्री हियर। मुझे अभी फिर भी ऐसा लगता है कि आई अंडरस्टैंड लीगलाइजेशन करने से नॉट दैट इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, शायद कई इश्यूज बढ़ भी जाएंगे, बट मुझे लगता है शायद कई इश्यूज थोड़े से ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि आई थिंक लीगलाइजेशन अगर प्रोस्टिट्यूशन की होती है, देर वुड बी एटलीस्ट अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, देर वुड बी एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ यू नो लुकिंग एट थिंग्स एंड कंडक्टिंग इट एंड ऑल ऑफ दैट। एंड अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो एक कोई सिस्टम हो सकता है जहां पे वो रिपोर्ट कर सके। अगेन आई एम गोना मेंशन तलाश मूवी, जहां पे करीना कपूर वाज प्रोस्टिट्यूट एंड शी इज किल्ड एंड नो वन बॉदर्स अबाउट हर बिकॉज शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट एंड शी रियली डिडंट हैव एन आइडेंटिटी। आई मीन यू नो एज पर लीगल दिस वन वो है या नहीं है, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है, उसको किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सो आई थिंक अगर आप बेसिक ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हो, उसके लिए अगर लीगलाइजेशन होती है कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली हेल्प करेगी। दैट्स व्हाट माय टेक इज। मतलब आई वुड बी ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज बी फॉर
और लीगलाइजेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, बिकॉज प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट गोइंग अवे एनीवेयर एनी टाइम सून, राइट? मतलब इट्स गोना बी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, इट हैज बीन पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी व्हेन वी वर नॉट इवन सो डेवलप्ड, एंड नाउ दैट वी काइंड ऑफ आर और वी होप टू बिलीव दैट वी आर डेवलपिंग और अ डेवलप्ड सोसाइटी, इट्स स्टिल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, सो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट लीगलाइजेशन हो जानी चाहिए प्रोस्टिट्यूशन की. दे शुड बी मतलब उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील. मुझे लगता है कि रिहैबिलिटेशन के लिए सोसाइटी में थोड़ी सी अगर जागरूकता लाई जाए वो ज्यादा हेल्पफुल होगी इसमें. लीगलाइज करना कैन नॉट बी द फाइनल डेस्टिनेशन, क्योंकि अगर देखा जाए तो पोर्नोग्राफी बहुत सारे देशों में लीगलाइज है और वो मतलब लीगल फ्रेमवर्क में आती है तो वो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर भी उसकी वजह से के बावजूद भी क्वेश्चन है उसमें. Yeah. उसमें ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है. तो पुलिसिंग, लीगलाइजेशन का मतलब है पुलिसिंग, और पुलिसिंग हमें पता है कि क्राइम्स को कभी कम नहीं करती और एक्सप्लॉयटेशन को भी पुलिसिंग कम नहीं कर सकती जब तक कि आपका एटीट्यूड सोसाइटी का शिफ्ट नहीं होता. जिसको लीगलाइजेशन की जरूरत है वो मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है. No, but when I talk about legalization of prostitution, I'm not only talking from an angle of ke policing hoga ya crime rate. I'm also talking from an angle of what they earn. You know, unka like jaise is movie mein bhi dikhaya gaya, unko bank accounts unke open nahi hote. And I'm sure aaj mujhe nahi pata ke what is the state of this one. Ki agar aaj koi prostitute India mein apna bank account open karna chahe, ki can she write that? No, she won't be able to write her profession as a prostitute, right? And she's earning this money, and the money is coming to the account from the act of prostitution, right? So when I talk about legalization, there's so many other things that are involved. Jahan pe, kyunki dekhiye, aap kaam to kar hi rahe hain. It's work, right? Yes, it is a work that not a lot of people want to be associated with or whatever, and it shouldn't be there. And mostly ye kaam aisa hota hai ki people are forced into it and no one actually chooses it, you know, out of choice, right? But still main kahungi agar koi kar raha hai, at least if they are doing this and if they are earning some money there, the money should be safe for them, you know. And to wo mujhe us way mein keh rahi hu, taxation, housing and all of that, kyunki there would be education for that matter. Matlab agar unko legal rights milenge tabhi wo jaake apna ghar rent kar sakte hain ya bana sakte hain ya apne bachchon ko education dal sakte hain. कि अगर उनका प्रोफेशन एक लीगली एक्सेप्टेड प्रोफेशन हो एक सोसाइटी में, तो मैं सिर्फ एक क्राइम और पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगलाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट लीगलाइजेशन एज अ होल, यू नो, सो दैट दे हैव मिनिमम बेसिक लिविंग राइट्स, दैट्स इट. तो यहीं पे जाके तो मूवी कंफ्यूज करती है एक व्यूअर को भी. अगर देखा जाए तो वो उसकी स्टार्ट हुई थी एजुकेशन से. Yeah. कि वो उन लड़कियों को स्कूल, जो कि इनकी बस्ती 100 साल से है स्कूल, शायद 40 साल से है, और वो स्कूल क्लेम करना शुरू कर देता है कि ये हमारे ऊपर बुरा असर पड़ रहा है. तो वो एट द फर्स्ट प्लेस वहां स्कूल बनाया क्यों गया था. और प्रोस्टिट्यूट्स की बेटियों को जब वहां पे एडमिशन नहीं मिलती, जहां वो निकाल देते हैं उनको स्कूल से, तो उसके बाद ये सीक्वेंस है कि ये स्पीच देती है. तो इतने क्लेम्स करने से, इतना वो डिफ्यूज्ड सा स्टेटमेंट देने से उस स्पीच में वो बढ़ती जाती है, जस्ट गेटिंग कैरिड अवे. वो एजुकेशन वाला पार्ट कहीं खो के रह जाता है. अगर एजुकेशन मिलेगी उनके बच्चों को, वो जिसकी बेटी की शादी करवाई है उसकी माँ क्या कह रही थी कि या तो इसकी शादी हो जाए नहीं तो मैं इसको मार डालूंगी. तो शादी हो जाए तो वो रिहैबिलिटेशन है सोसाइटी में, और अगर उनकी बच्चियों को एजुकेशन मिलती है तो वो कोई और करियर देख सकती हैं वहां से वो निकलने के लिए. जब वो चीज अवेलेबल नहीं है, वो चीज ज्यादा जरूरी थी, जिसके लिए उसने काम भी किया था, जिस करेक्टर के ऊपर बेस्ड ये मूवी है, तो वो हो सकता है कि वो कितना, क्योंकि उसका नेगेटिव आस्पेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाई गई. उसको माफिया क्वीन कहा जाता था कि वो, उसके ऊपर बात ज्यादा होनी चाहिए थी कि हमारी डिस्कशन, वो एक स्पीच का वो वाला पार्ट उधर खींच के ले जाता है.
जबकि हमारी डिस्कशन इस पे होनी चाहिए थी कि वो कैरेक्टर जो रियल लाइफ कैरेक्टर था उसने कितना एज पीआर इवेंट यूज किया था, कि वो सच में कितना एक्टिविस्ट थी या वो कितनी माफिया थी। वो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती कि माफिया में आपको क्राइम करने पड़ेंगे। तो एक क्राइम करने वाला अगर एक्टिविस्ट बनता है तो वो उसका पब्लिक रिलेशंस के लिए किया हुआ काम भी हो सकता है। तो इतना सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है जो वो एक स्पीच, और उसके बाद स्ट्रेट वे प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग एंड देन जो स्पेक्टिकल क्रिएट किया जाता है वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरा नाम जोकर में राज कपूर के कॉन्टेक्ट में जितने कैरेक्टर थे सारे एंड में आते हैं उस जीना जहां मरना जहां सॉन्ग में, वैसा सब स्पेक्टिकल क्रिएट हो रहा है। नो दैट्स राइट. आई मीन दे डिड नॉट एक्चुअली. आई थिंक वो इसलिए भी होता है स्पेशली ऐसी मूवीज में जब क्योंकि अगेन उन्होंने मतलब आलिया भट्ट को बहुत एक अच्छी राइटियस और वर्चुअस लाइट में दिखाना था. तो दैट्स वाई मेरे ख्याल से जो वो माफिया क्वीन का उनको टैग दिया गया था वो सिर्फ नाम के लिए ही बोला गया क्योंकि कुछ दिखाया तो है नहीं मूवी में एज सच. उन्होंने तो वो सिर्फ एक टैग देने के लिए या उनको बोला जाता था जो रियल गंगूबाई थी तो इसलिए यहाँ पे भी बोल दिया गया. बट दिखाया तो यही गया था शी इज राइटियस होगी मतलब यही दिखाया गया जो कि ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव के मतलब जो राइट मतलब वो तो उससे एक जगह पे थी जहां पे राइट होना ही बहुत मुश्किल है. एंड स्पेशली इफ शी इज रनिंग अ ब्रॉथल एंड स्पेशली इफ शी इज रनिंग लाइक अ बिजनेस इनलीगली. सो या आई मीन वो ही या आई एग्री टू दैट. आई मीन इट आई थिंक इट वाज वो ही होता है कि स्टोरी एंड वो जो क्या कहते हैं ना स्टोरी एंड लेजिटिमेसी जो होती है वो खत्म हो जाती है अगर आपका क्या कहते हैं फोकस सिर्फ ये है कि यू हैव टू जस्ट शो वन पर्सन इन द गुड लाइट. एंड दैट्स अगेन हैज हैपेंड एज इट हैपेंड. मैंने एक मूवी पहले भी मेंशन करी थी संजय मूवी में जो संजय दत्त के ऊपर बनी थी उसमें भी मतलब द होल मूवी वॉज ओनली मेड टू शो हिम इन द राइट लाइट. आई मीन यू नो दैट हाउ ही वॉज रॉन्ग अगेन एंड अगेन एंड हियर ऑल्सो इट हैज बीन शोन अगेन एंड अगेन दैट हाउ शी वॉज उसमें रॉन्ग. एक उस मूवी और इसमें डिफरेंस ये हम ऐसे देख सकते हैं कि वो तो एक परफॉर्मिंग एक्टर के बारे में हो रहा है, वो स्टिल परफॉर्मिंग इन मूवीज, और उसने अपनी कहानी सुनाई है, ही हैज गॉट मनी फॉर दैट एज वेल। तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को कैसे प्रोजेक्ट करना चाहता है। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं थी इनके ऊपर कि एक सो कॉल्ड अलेज्ड क्रिमिनल को एक वाइट वॉश करने की, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे रीलॉन्च किया जा रहा है उसको आलिया भट्ट को, कि एक नया फेज देना है उसकी लाइफ को कि वो यंग जान कमर्शियल बहुत मूवी सारे से थोड़ा बबली से सीरियस कैरेक्टर मूवी. प्ले करती करती वो सीधी सीरियसनेस में लेके आ रहे हैं उसको, नो बट जहां देन आई जैसे थिंक वो डोंट यू थिंक दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बॉलीवुड. लाइक चमकीला मूवी आई थी उसमें भी तो यही हो रहा था. आई मीन सो इट्स नॉट अब चमकीला इज अगेन मतलब नॉट अलाइव ही इज डेड राइट. बट आई थिंक दैट दैट्स द प्रॉब्लम विद बॉलीवुड के वो जिस एक जिसके ऊपर भी बायोपिक वगैरह बनाते हैं उनका काम सिर्फ ये होता है ये दिखाना कि हाउ राइट दे वर एंड उनको हमेशा एज अ विक्टिम ही दिखाया जाता है. सो आई डोंट थिंक इट्स टू डू विद के संजय दत्त इज स्टिल अलाइव एंड स्टिल वर्किंग एक्टर. आई थिंक इट्स द प्रॉब्लम विद बॉलीवुड के वो जो एक कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं वो सिर्फ उसके एक ही कलर और एक ही चीज को पकड़ के रहते हैं. दे आर टू अफ्रेड टू शो देम इन ऑल डिफरेंट कलर्स दैट दे मस्ट हैव हैड व्हेन दे लिव्ड द लाइफ दैट दे लिव्ड. पर जब हम किसी की लाइफ को आर्टसी करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जैसे चमकीला में भी वही प्रॉब्लम आई थी, उसकी आर्टफुल रिप्रेजेंटेशन करते करते काफी चीजें इम्तियाज अली मिस्ड। और यहाँ पे जब देखा जाए संजय लीला भंसाली को, वो तो उसको सीन स्पेक्टिकल क्रिएट करने के लिए कई बार तो लगता है कि मूवी उसके लिए बन रही है, कि बहुत सारे स्पेक्टिकल अच्छे अच्छे क्रिएट करके विजुअली बहुत अच्छी है सारा कुछ, था हर एक फ्रेम बाय फ्रेम आप देख सकते हो कि कहीं आपको कोई वो नहीं लगेगा कि वो ये वाला सीन आपको अच्छा नहीं लगा, वो नहीं अच्छा लगा, इतना ब्रॉड इट्स स्केल वेरी पे ले नाइसली जाते हैं। डन पर ऑफ कोर्स. वो आई मीन स्केलिंग के ऊपर लाइक काम करते करते, डिटेलिंग पे काम करते करते कैरेक्टर में मुझे लग रहा है कि वो शेलोनेस क्रिएट हो रहा है, जैसे विजय राज का कैरेक्टर है जहां
अजय देवगन के कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ है, और स्टोरी लाइंस बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दी गई हैं, और उसको अगर छोटा करके विजय राज का रोल बढ़ा दिया जाता तो हो सकता है कि आलिया को इतनी जो प्रेज मिली है वो ना मिलती, विजय राज को ज्यादा मिलती। पर ओवरऑल प्रोजेक्ट किसके लिए है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट दिखता है किसके लिए। तो जो इस मूवी को बैक स्टोरी देने के लिए कि इसकी ये बनी कैसे है, उसके वो जब वो एक पैराबल बना देते हैं डायरेक्टर अपने आप की, 9 साल की उम्र में मैंने देखा था इसको, आलिया भट्ट को, ये ब्लैक की ऑडिशन देने आई थी, एंड देन आई थॉट कि आई सॉ स्पार्क इन हर आईज के शी डिजर्व्स अ फुल मूवी, एक चाइल्ड आर्टिस्ट का ऐसे रोल प्ले नहीं करना, वो एक तरीके का मिथ क्रिएशन है उसके आसपास जो मूवी को या अलग तरीके के पीआर लेवल पे लेके जाता है। टोटली टोटली अग्री, यप एब्सोल्युटली, बट ओवरऑल इट्स अ नाइस मूवी. आई मीन इट्स अ गुड मूवी, ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी, बट ऑब्वियसली अगेन ये तो होता ही है कि अपना बायसनेस और वो तो आ ही जाता है, जो भी मेकर होता है उसका, तो वो काफी ज्यादा दिख रहा है इस मूवी में. देयर इज अ लॉट ऑफ बायस. या ऑलराइट, थैंक यू सो मच. सो दैट वाज अनफिल्टर्ड टॉक ऑन गंगूबाई, एंड हम दोबारा एक किसी नई मूवी के साथ वी विल कम हियर अगेन. बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.